सुबह की फिजा फिजा। ये मैडम हुसैन और नुसरत अली खान सब ने गाया था मिलके, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था और ये सारा रिकॉर्डिंग जो है जितनी भी है मेरे सामने हुई, तो मैडम अपने अंदाज से गा रहे थे और नुसरत अली खान साहब अपने अंदाज से गा रहे थे, तो उनकी कुछ यादें हैं। मतलब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और मलका तरन्नुम नूरजहाँ जी का डुएट गाना, ये बहुत फेमस गाना भी था, आपने भी सुना होगा ऑफ कोर्स, सबने ही है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। हसन साहब जो हैं वो बताती चलूँ इंडिया में वाहिद परफॉर्मर है, वाहिद पैरोडी आर्टिस्ट है जिन्होंने नूरजहाँ जी को इंडिया में सबसे पहले ट्रिब्यूट किया था। बाकायदा इन्होंने सीखा, ये सीखा है गाना, और इन्होंने गाना सीखा है तो इतना सुर में ये गाते हैं, वरना कॉमेडी इतना सुर से नहीं गाता। बिल्कुल। और नूरजहाँ जी को इतना अच्छा गाना, वो भी मेल वॉइस में, वेरी डिफिकल्ट। और इन्होंने कहा कि आज मेरा जो भी नाम बना है नूरजहाँ जी को थोड़ा सा, बिल्कुल उनको थोड़ा सा याद करके। देखिए जी, मेन बात ये है फिजा जी के, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सिंगर हो, कहीं भी गाने के लिए जाए, जब तक वो मैडम जी के गाने नहीं गाते वो कभी कामयाब नहीं, कामयाब ही नहीं होते, ना हिट होते। नूरजहाँ जी बहुत, मुझे पता है कि मलका तरन्नुम नूरजहाँ जी बहुत परेशान होती थी
कि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ को, मेरे गाने को किस पे पिक्चराइज़ किया जा रहा है। वो पहले हीरोइन से मिलती थी, बुलाती थी, देखती थी। आजकल के दौर में तो होता ही नहीं, बस आर्टिस्ट गाना गा देता है और अपना गाना दे देता है, वो किसके ऊपर पिक्चराइज़ हो रहा है कुछ नहीं पता। मैं मलका जी जो थी वो बहुत इस बात पे फोकस होती थी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया जब हम गए तो उसमें हमारा चन्ना साहब थी, परेज मानी साहब थे, मैं था, जवाद भाई थे। तो चंडीगढ़ में वो शो था और राजेश खन्ना साहब उनके चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा रेंज था मैडम नूरजहान के ट्रिब्यूट के हवाले से। और लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, इंडिया से भी बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं, लेकिन मल्टी स्टार जो है वो पाकिस्तान से ऐसा आ सकता है। बिल्कुल, क्या बात। तो ये बड़े ऑनर की बात थी मेरे लिए। और फिर ये कि वो सुर को इतना अच्छे तरीके से सुनते थे वहाँ पे, मैंने सब लेजेंडों की परफॉर्मेंस दी। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि इतना मजा आया मैडम नूरजहान के हवाले से। तो फिर जो बातें खत्म नहीं होती, जहाँ से शुरू होता है वो खत्म नहीं होता। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नूरजहान जी का कोई गाना अब अपनी पसंद का सुनाएं। इस वक्त आपने मेरी पसंद का सुनाया था, क्या सुना रही जी? आप ऐसे भी बोल सकती हैं, आपको माइक लगा हुआ है। अच्छा जी, फिजा फिजा।